हेलो फ्रेंड्स, मैं योगिता आपका स्वागत करती हूँ योगितास किचन में। आज मैं जो रेसिपी लाई हूँ आप सभी के लिए वो है ग्रीन पुलाव। ग्रीन पुलाव देखने में तो सुंदर लगता ही है, साथ ही खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो ग्रीन पुलाव की रेसिपी को जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए हम बनाते हैं ग्रीन पुलाव। ग्रीन पुलाव बनाने के लिए हमने 2 कटोरी बासमती चावल लिए हैं, इसको हमने धो लिया है। 1 बड़ा साइज का प्याज लिया है, इसको लंबी लंबी स्लाइस में हमने काट लिया है। 4 से 5 हरी मिर्च ली हुई है, थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया है, 1 कटोरी फ्रोजन मटर लिया हुआ है हमने, 15-20 काजू लिए हुए हैं हमने, खड़े मसाले में 1 तेजपान लिया है, 2 चक्रफूल लिए हैं, 2 इलायची ली है हमने बड़ी, और 8-10 काली मिर्च ली हुई है, 1 चम्मच जीरा लिया हुआ है हमने, 1 चम्मच नमक लिया है, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, फूड कलर लिया हुआ है, ये ग्रीन फूड कलर है, मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो चलिए हम पुलाव बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ब्लेंडिंग जार लेंगे, उसमें हम धनिया पत्ती और हरी मिर्च दोनों को बारीक पीस लेंगे। सबसे पहले हम फ्लेम पे कुकर रखेंगे और उसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे, हम शुद्ध घी यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को गर्म होने देंगे, घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे और जीरा को कुछ सेकंड के लिए चटकने देंगे। जीरा चटक चुका है, अब हमने जो खड़े मसाले लिए थे उसको भी ऐड कर देंगे और उनको भी कुछ सेकंड के लिए भूंज लेंगे, चम्मच से चला लेंगे। खड़े मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को गुलाबी होने तक के लिए हम सेक लेंगे, चम्मच से चला लेते हैं हम प्याज को। प्याज गुलाबी हो चुके हैं, अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हरी धनिया और मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे जिसको हमने पीसा था, और इसको चला लेंगे अच्छे से और 2 मिनट के लिए सेक लेंगे। अब हम इसमें काजू ऐड कर देंगे और काजू को भी मसाले के साथ 1 से 2 मिनट के लिए भूंज लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हमने जो चावल धो के रखे थे उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इसको मिक्स कर देंगे चम्मच की सहायता से। अब हम इसमें 1 नींबू का रस है इसको ऐड कर देते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और ग्रीन फूड कलर है उसको भी ऐड कर देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा पुलाव में। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच चीनी ऐड कर देते हैं, चीनी डालना ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो उसको स्किप कर सकते हैं। नमक भी ऐड कर देते हैं और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम पानी ऐड कर देंगे, जैसे कि हमने 1.5 ग्लास चावल लिए हैं तो हम उसमें 2 से 2.25 ग्लास पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो चावल चिपक जाएंगे, खिले खिले नहीं बनेंगे उससे। मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हम कुकर का ढक्कन लगा करके 1 सीटी आने तक के लिए हम इसे पका लेंगे मीडियम आंच पर। कुकर में 1 सीटी आ चुकी है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और कुकर का प्रेशर ठंडा होने तक के लिए हम इंतज़ार करेंगे। कुकर का प्रेशर निकल गया है, अब हम ढक्कन खोल करके चेक करते हैं। ये देखिए कितना प्यारा ग्रीन पुलाव बनकर के तैयार हुआ है, प्लेट में सर्व करने के लिए तैयार है ग्रीन पुलाव, अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये देखिए कितना खिला खिला बना हुआ है। देखिए ग्रीन पुलाव बनकर के तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना और बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरे ग्रीन पुलाव की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।